और निशानेबाजी के जो वीर है उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पदक वीर जो है, देखिये राज्यवर्धन सिंह राठौर रजत पदक विजेता हैं, ये इन्होंने जीता था। वहीं देखिए बीजिंग में 2008 में जब ओलंपिक हुआ, शूटिंग में पदक वीर अभिनव बिंद्रा बने, स्वर्ण पदक इनको मिला था। इसके अलावा हम बात करें तो गगन नारंग, जी हाँ गगन नारंग का नाम है, कांस्य पदक जीता था लंदन ओलंपिक में। इसके अलावा अगला नाम जो है विजय कुमार, जी हाँ रजत पदक विजेता लंदन ओलंपिक में, विजय कुमार ने रजत पदक जीता था, देश का नाम रोशन किया था। अब मनु भाकर का नाम लिया जा रहा है, जी कांस्य पदक विजेता है, पेरिस ओलंपिक में भारत का परचम मनु भाकर ने लहराया। इसके अलावा देखिए मनु भाकर के नाम एक और उपलब्धि है, मनु भाकर और सरबजीत जो है उन्होंने कांस्य पदक जीता है पेरिस ओलंपिक में, ये ड्यूएल जोड़ी थी इन्होंने जीता पेरिस ओलंपिक में। और इसके बाद हम बात करें स्वप्निल कुसाले, जिन्होंने कल कांस्य पदक जीता है पेरिस ओलंपिक में और एक बार फिर देश का मान सम्मान बढ़ाया है। तो पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में जहां एक तरफ एक और मेडल जो है वो भारत के नाम रहा, लेकिन कुछ खेल ऐसे भी रहे जिसमें भारत की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या इसके पीछे की वजह रही, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बाहर तीन बड़े दावेदार, सात्विक चिराग की जोड़ी हारी। पेरिस ओलंपिक 1 अगस्त के दिन की शुरुआत पदक के साथ हुई, लेकिन शाम होते होते 1 अगस्त का दिन पेरिस ओलंपिक में भारत को कई कभी न भूलने वाला दर्द दे दिया। जी हाँ, 3 घंटे के अंदर एक के बाद एक भारत के मेडल के 3 बड़े दावेदार बाहर हो गए। इन 3 झटकों ने भारत के मेडल संख्या में दहाई के आंकड़े पहुंचने की उम्मीदों को झटका दे दिया। 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सिफत कौर सामरा, पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 और एशियन गेम्स चैंपियन सात्विक और चिराग शेट्टी मेडल की रेस से बाहर हो गए। बैडमिंटन डबल्स की क्वार्टर फाइनल में सात्विक चिराग को मलेशियाई जोड़ी अरुण चिया और यिक व्यू सो के हाथों मुंह की खानी पड़ी। सात्विक चिराग ने पहला गेम 21-13 के बड़े अंतर से जीता, लेकिन उसके बाद मलेशियाई जोड़ी ने दूसरे गेम में 21-14, तीसरे गेम में 21-16 से जीत दर्ज की और भारतीय जोड़ी को पेरिस ओलंपिक से बाहर कर दिया। वहीं दूसरी ओर 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन के प्री क्वार्टर फाइनल में उतरी और चीन की खिलाड़ी से मैच हार गई। वहीं सिफत कौर सामरा और अंजुम मुद्रल 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल इवेंट के क्वालिफायर में उतरी। अपने दूसरे ओलंपिक में भाग ले रही अंजुम ने महिलाओं की स्पर्धा की क्वालिफिकेशन में 584 अंक हासिल किए, जबकि सिफत ने 575 अंक जुटाए। सिफत कौर इस इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, उन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, इसी कारण उनसे मेडल की उम्मीद थी। लेकिन सिफत कौर सामरा 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में जगह नहीं बना सकी। लेकिन बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने पदक जीतने की उम्मीद को बरकरार रखा। लक्ष्य सेन ने पेरिस ओलंपिक की पुरुष एकल स्पर्धा के प्री क्वार्टर फाइनल में हमवतन एचएस प्रणय को एक तरफा मुकाबले में सीधे गेम में हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। लेकिन लक्ष्य सेन ने जीत के बाद किसी भी तरह की खुशी नहीं मनाई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने जिसको मैच हराया था वो भी भारत के दिग्गज खिलाड़ी थे। बात हॉकी की करें तो पेरिस ओलंपिक में अब तक अभिजीत रही भारतीय टीम को बेल्जियम के हाथों हार का सामना करना पड़ा। बेल्जियम ने टीम इंडिया को 2-1 से हरा दिया। हालांकि भारतीय फैंस के लिए राहत वाली बात है कि इस हार से टीम इंडिया को कोई नुकसान नहीं है। टीम 2 मैच में जीत हासिल कर पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। वही एथलेटिक्स में मेरठ की बेटी और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी प्रियंका गोस्वामी को पेरिस ओलंपिक में हार का सामना करना पड़ा। प्रियंका को 20 किलोमीटर पैदल चाल में 135 नंबर मिले, वही 40वें स्थान पर रही। उनकी हार को लेकर परिवार में मायूसी है। उनका कहना है कि प्रियंका ने मेडल के लिए काफी मेहनत की थी, हार जीत खेल का हिस्सा है, इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। बात तीरंदाजी की करें तो प्रवीण जाधव सीधे सेटों के मुकाबले में हार कर पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गए। भले ही जाधव ने मैच के दौरान 4 बार 10 शॉट लगाए, लेकिन चीनी तीरंदाज 3 सेटों में प्रत्येक में से 1 अंक से भारतीय से आगे निकलने में सफल रहे। जाधव की हार के साथ पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत का अभियान समाप्त हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अयोध्या में हुए गैंगरेप कांड का मुद्दा सदन में गूंजा,
सीएम योगी ने कहा आरोपी समाजवादी पार्टी के सांसद की टीम का हिस्सा, इसीलिए नहीं लिया गया एक्शन। सपा के बागी विधायक अभय प्रताप सिंह आज जाएंगे पीड़िता के घर, नाबालिग से हुए गैंगरेप मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष का मुद्दा, सीएम योगी ने गोमती नगर की घटना पर दिखाए आक्रामक तेवर। नीट परीक्षा को लेकर जुड़ी हुई याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। वाराणसी में राहुल गांधी के सदन में दिए गए बयान का विरोध, बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। हरिद्वार में बारिश के बाद सुलानी नदी उफान पर, रुड़की और लक्सर में दर्जनों गांव में बाढ़ का खतरा मंडराया। उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड से हाहाकार, बारिश और बाढ़ से 20 लोगों की मौत। वहीं केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग में फंसे लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी, हेलीकॉप्टर से 737 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। भारी बारिश और आपदा पर पीएम मोदी लगातार कर रहे हैं निगरानी, पीएमओ ने सभी जरूरी सहायता के लिए आश्वासन दिया है। वहीं केरल के वायनाड में मरने वालों की संख्या 200 के पार पहुंच चुकी है, केरल के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, सेना, नौसेना, एनडीआरएफ और पुलिस सहित 1600 से अधिक बचाव कर्मी चला रहे बचाव अभियान। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने कहर ढा दिया है, अब तक 5 लोगों की जान चली गई, वहीं 45 से ज्यादा लोग अब भी लापता। हिमाचल के रामपुर में फटा बादल, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। बिहार के सीतामढ़ी में लूट का खुलासा करने वाले पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा इनाम, डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। यूपी के सोनभद्र में घर वालों से नाराज होकर छात्र ने खुदकुशी की, परिजनों को वीडियो कॉल कर दी आत्महत्या की जानकारी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए तिहरे हत्याकांड में 5 अगस्त को कोर्ट सुनाएगी फैसला, नृशंस हत्याकांड में 14 लोगों पर हत्याकार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नदी में मिला महिला का शव, नदी में बैग में बंद था महिला का शव। उत्तर प्रदेश के मऊ में आरटीओ कार्यालय पर अपर जिला अधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक ने मारा छापा, 4 संदिग्ध युवकों को हिरासत। यूपी के महाराजगंज में 2 चीनी नागरिकों समेत 3 गिरफ्तार, एसएसबी के जवानों ने गिरफ्तार किया, कब्जे से फर्जी आधार कार्ड बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 2 बहनों ने की आत्महत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी का अंबेडकर नगर में खुले नाले में मिला शव, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने हथियार भी बरामद किए। यूपी के संभल में एडीओ पंचायत और कंप्यूटर ऑपरेटर रिश्वत लेते गिरफ्तार, वेतन निकालने के नाम पर ले रहे थे 10,000 की रिश्वत। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों के हौसले बुलंद गए, एफआईआर वापस न लेने पर दबंगों ने छेड़छाड़, पीड़िता से मारपीट। यूपी के संभल में 14 साल के बच्चे के अपहरण से हड़कंप मचा, 1.5 लाख के फिरौती को लेकर बच्चे को छोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुर में पुलिस की बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़, एनकाउंटर में बदमाश के पैर में लगी गोली। यूपी के बरेली में मामूली विवाद में हुई पत्थरबाजी, पथराव के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पेड़ से लटका मिला अधेड़ का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बदायूं में नागेश्वर महादेव मंदिर की को चोरों ने निशाना बनाया, दान पत्र का ताला तोड़कर चोरों ने उड़ाया नकदी और मंदिर के घंटे भी चुरा लिए।